रे जो किसे की ना मान रे वो जाट हो वैसे रे जो जाट की ना मान रे। विशाखा जट ने जो अपने कमाल के एक्सप्रेशन और एक्टिंग से लाखों दिलों पर राज करती हैं। विशाखा जटनी ने किससे कर ली है शादी और विशाखा की शादी का असली सच आया सामने। आखिर विशाखा को क्यों करनी पड़ी प्रदीप खेरा से शादी, प्रदीप खेरा जो कि पहले से ही मैरिड हैं। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। आज आपको बताएंगे प्रदीप और विशाखा की शादी का असली सच। अगर आप भी करते हैं विशाखा को पसंद तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही आपको बताएंगे इनकी लाइफ के सारे सीक्रेट्स। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सही तो लगता है हम दोनों एक साथ, हमेशा लगेंगे। इन दोनों की लव स्टोरी और शादी की कहानी जानने से पहले जान लेते हैं कुछ विशाखा के बारे में। विशाखा का फुल नेम विशाखा पवार है, लेकिन ये सोशल मीडिया पर विशाखा जटनी के नाम से फेमस हैं। 25 दिसंबर 2003 को ढहलई में एक बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड बच्ची का जन्म हुआ। विशाखा एक्टिंग के साथ साथ पढ़ाई में भी बहुत अच्छी हैं। विशाखा ने अपनी स्टार्टिंग की पढ़ाई ढहलई के एक प्राइवेट स्कूल से की और वहीं से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया। विशाखा को आखिर प्रदीप से शादी क्यों करनी पड़ी और इसकी असली वजह क्या थी, जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो अब बात कर लेते हैं इनकी फैमिली के बारे में। इनकी फैमिली बहुत ही ज्यादा सपोर्टिंग है। इनकी फैमिली में इनके मम्मी पापा के अलावा एक भाई और एक बहन है। विशाखा अपनी फैमिली से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। अगर बात करें इनके स्टार्टिंग से करियर के बारे में, इन्होंने अपने करियर की शुरुआत टिकटॉक से की थी और इसके बाद इन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। इंस्टाग्राम पर इनकी वीडियोस काफी तेजी से वायरल हुई और देखते ही देखते इन्हें अच्छा खासा फेम हासिल हुआ। विशाखा जटनी की सोशल मीडिया पर अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। वैसे आप इन्हें कितना पसंद करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। पैसा हम भी उड़ा सकते हैं, मगर होना भी तो चाहिए। एक बात तो माननी पड़ेगी, विशाखा के एक्सप्रेशन सच में कमाल के होते हैं। वैसे आपको इनके एक्सप्रेशन कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो अब बात कर लेते हैं विशाखा और प्रदीप की लव स्टोरी और शादी की असली कहानी क्या है। तो पहले बात कर लेते हैं प्रदीप खेरा के बारे में। ये मैरिड हैं और इनकी शादी मानसी नायक के साथ हुई थी और मानसी नायक के साथ भी इन्होंने लव मैरिज की थी, पर इनकी शादी ज्यादा लंबे समय तक नहीं चली। दोनों दावा करते थे कि एक दूसरे से करते हैं बहुत ज्यादा प्यार और रोमांटिक फोटोज और वीडियोस अपलोड किया करते थे, और इतना प्यार होने के बाद भी दोनों ने एक दूसरे को तलाक दे दिया और दोनों ही अलग अलग हो गए। और अब प्रदीप खेरा विशाखा जटनी के साथ रिलेशनशिप में हैं और उनके साथ फोटोज और वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। वहीं विशाखा भी करती है प्रदीप से बहुत ज्यादा प्यार और उन्होंने अपने प्यार का इजहार दुनिया वालों के सामने किया। वहीं फैंस का कहना यही है कि जैसे प्रदीप ने मानसी को छोड़ा, वैसे ही वो विशाखा को भी छोड़ देंगे। इसमें आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। पर अभी विशाखा और प्रदीप की शादी नहीं हुई है, पर दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं। तो अब बात कर लेते हैं विशाखा की सोशल मीडिया पर फेम के बारे में। तो इनके इंस्टाग्राम पर 5.5 मिलियन और यूट्यूब पर 5.1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। विशाखा की सारी ही वीडियोस वायरल होती हैं और लोग इनके एक्सप्रेशन को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। वैसे आपको इनकी वीडियोस कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नई नई स्टोरीज जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने ओपिनियन जरूर देना, मैं सबके कमेंट्स को रीड करती हूँ। थैंक यू गाइस। ठंड में रम और मोहब्बत में गम, पाकिस्तान में बम और इंस्टाग्राम पे हम बहुत फेमस हैं। बताओ कोई शक, अब जमा तो कही कद के मौत तारीफ कर ली है तो है।